योर ऑन क्लासेस सप्लाईज, वाटर सप्लाई कैसे होगा। तो फर्स्ट है चैप्टर का प्लानिंग फॉर वाटर सप्लाई सिस्टम। तो वाटर सप्लाई सिस्टम में पढ़ना है आपका, फर्स्ट पढ़ना है कि पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम प्लानिंग कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, डिजाइन पीरियड क्या होगा, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या होता है, वाटर डिमांड क्या होगा और सोर्स ऑफ वाटर, देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड सोर्स ऑफ ग्राउंड एंड ग्राउंड वाटर, इम्पाउंडिंग रिजर्व, विल हाइड्रोलिक्स डेवलपमेंट एंड सेलेक्ट ऑफ द सोर्स वाटर क्वालिटी, कैरेक्टराइजेशन एंड स्टैंडर्ड एंड इम्पैक्ट ऑफ चेंज पढ़ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे हम इसमें कि सोर्स ऑफ वाटर क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स ऑफ वाटर है, सोर्स फ्रॉम वेयर द टाउन गेट वाटर आर आइदर अंडरग्राउंड और सरफेस सोर्स, बट दिस सोर्स अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन द मेन सोर्स दैट इज रेन वाटर। कहने का मतलब कि जो क्या है इसका मेन सोर्स है वो रेन वाटर ही है, यही कह रहा है। बट द सोर्स ऑफ द अल्टीमेट डिपेंड अपॉन द मेन सोर्स दैट इज रेन वाटर। सेकेंड पॉइंट है, सिंस द रेन वाटर विच फॉलो इन फॉर्म ऑफ दिस स्ट्रीम रिवर्स प्रीकॉलेट्स टू फॉर्म अंडरग्राउंड सोर्स, दे आर प्रीकॉलेटेड वाटर फ्रॉम नेचुरल पाइपलाइन एंड अंडरग्राउंड। कहने का मतलब कि जो हम अंडरग्राउंड सोर्स से हम प्रीकॉलेट करेंगे वाटर को, वो कहाँ तक जाएगा, नेचुरल पाइपलाइन के थ्रू अंडरग्राउंड, नेचुरल पाइपलाइन के थ्रू अंडरग्राउंड जाएगा। मतलब जो पाइपलाइन है उसके द्वारा क्या होगा मेरा कि पाइपलाइन के द्वारा अंडरग्राउंड सोर्स में जाएगा और वहाँ से मेरा पानी को कलेक्ट करके लाएगा। तो इसका जो थर्ड पॉइंट है, द सरफेस वाटर रन इन द फॉर्म ऑफ रिवर और स्टोर्ड इन रिजर्व लेक एंड कैचमेंट एरिया एंड कम्स आउट फ्रॉम द स्प्रिंग विल इनफिल्ट्रेशन गैलरी टीसी। कहने का मतलब कि जो सरफेस वाटर जो होगा वो फॉर्म होगा कहाँ से, रिवर और स्टोर्ड इन रिजर्वर, कहाँ से फॉर्म होगा, जहाँ से हम पानी को स्टोर करके रखे हैं, जैसे कि रिजर्वर में, लेक में और इन द कैचमेंट एरिया में। तो वहाँ से मेरा पानी क्या होगा, रन ऑफ हो जाएगा, रन वाटर सरफेस रन। द फॉलोइंग आर द फैक्टर विच अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ वाटर। कहने का मतलब कि किस किस फैक्टर पे मेरा सोर्स ऑफ वाटर सेलेक्ट होता है। फर्स्ट है आपका, द सोर्स सेलेक्ट शुड प्रोवाइड वाटर थ्रू आउट द ईयर टू द सिटी ऑफ टाउन। कहने का मतलब कि जो हम सोर्स को कलेक्ट करेंगे वो शुड प्रोवाइड वाटर थ्रू आउट द ईयर ऑफ सिटी और टाउन। दूसरा है, द क्वांटिटी ऑफ द वाटर अवेलेबल फॉर द सोर्स सेलेक्ट शुड बी एक्वाटिक टू मीट द पब्लिक डिमांड। पब्लिक डिमांड के अनुसार उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे क्वांटिटी ऑफ वाटर को। द वाटर शुड सेलेक्ट थ्रू द चीप, कि वाटर शुड सेलेक्ट थ्रू द चीप। द क्वालिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द सोर्स सेलेक्ट शुड बी सो गुड एज नो टू रिक्वायर्ड एनी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। कहने का मतलब कि जो क्वालिटी ऑफ वाटर होगा वो क्या होगा, गुड होगा, नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट का उसमें कोई आवश्यकता नहीं होगा। आगे पढ़ना हमको सरफेस एंड सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर। तो सरफेस सोर्स में क्या होता है, सरफेस सोर्स में हो जाएगा फर्स्ट है स्ट्रीम रिवर लेक्स पॉन्ड्स एंड नेचर और आर्टिफिशियल रिजर्व वायर, और सब सरफेस में हो जाएगा स्प्रिंग इनफिल्ट्रेशन गैलरी पोरियस पाइप गैलरीज वेल इनफिल्ट्रेशन वेल। जो सरफेस सोर्स क्या है, तो सरफेस सोर्स एक ऑल्सो नोन एज ग्राउंड सोर्स, सरफेस सोर्स एक ग्राउंड सोर्स को ही हम कहते हैं, ग्राउंड सोर्स को हम क्या कहते हैं, सरफेस सोर्स करते हैं। वाटर कैन बी इजिली स्टोर्ड नेचुरली और आर्टिफिशियली ऑन द अर्थ सर्फेस। कहने का मतलब कि सरफेस सोर्स में हम ग्राउंड वाटर को इजिली स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरल और आर्टिफिशियल के थ्रू ऑन द अर्थ सर्फेस पे ही। सरफेस शुड इंक्लूड स्ट्रीम्स रिवर लैक पॉन्ड आर्टिफिशियल रिजर्व स्ट्रीमिंग इटीसी। सरफेस सोर्स जैसे कि आपका रिवर हो गया, लैक हो गया, पॉन्ड हो गया, उसके अनुसार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रीम क्या है, तो स्ट्रीम है